गाइस, वेलकम टू स्मार्टी जॉन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, यहाँ पर 24 मई का पेपर एनालिसिस में आपके लेकर आए हूँ। रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आपको जाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो, बिकॉज यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अभी तक रेगुलरली मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर वीडियो एक पेपर एनालिसिस का, और अभी तक आप अपने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का पेपर एनालिसिस देखा होगा, थोड़ी देर पहले उसका वीडियो आया। तो अभी चलते हैं यहाँ पर रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या टॉपिक है जिससे रेगुलरली आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो गाइस, सबसे पहले आप टॉपिक्स के नाम यहाँ पर देख सकते हो, जितने टॉपिक मैंने मेंशन किया है इन सारे टॉपिक्स से अभी तक क्वेश्चन आए हैं और रेगुलरली आ रहे हैं। जैसे कि एनालॉजी हो गया, काउंटिंग फिगर एनएस नंबर सीरीज हो गया, यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, और कोडिंग और सिलेबसिंग से आ ही रहे हैं, और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है मेरे पास आज के एग्जाम के, तो देख लेते क्या क्वेश्चन है, किस टाइप से उसको सॉल्व करना है आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना फॉर मोर अपडेट, बिकॉज मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन चली जाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में विच वन इज रॉन्ग, तो कौन सा यहाँ पर जो नंबर है जो फॉलो नहीं कर रहा है इसके पैटर्न में। जिसके यहाँ पर पैटर्न एक दिया गया, आप देख सकते हैं पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 से तो 6 आ जाएगा, और 6 को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से तो 18 आ जाएगा आपका, और फिर अगर आप यहाँ पर 18 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 3 से तो 54 आ जाएगा, और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 54 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 107 नहीं आ रहा है आपका, यहाँ पर आने वाला है आप देख सकते हो 2 और 6 आएगा, ठीक है। तो ये और इससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर 1623 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो यहाँ पर आपका आंसर ये आ जाने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये जो है 107 पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा 107 हो जाएगा मेरा। ओके गाइस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किस टाइप से पूछा गया, कौन से टॉपिक से, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, यहाँ पर अगेन मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया जो कि एग्जाम में आया हुआ है, आज के एग्जाम में आया, 24 मई के जो एग्जाम है पेपर एनालिसिस, उसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे मिला है। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, यहाँ पर पूछा गया कि सिमिलरली अगर 197, 170, 145 और 11 यहाँ पर 122 है, ठीक है, ये 122 है। ओके गाइस, 122 है 107, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्या पैटर्न होगा यहाँ पर, जो वहां पर कोई नेक्स्ट नंबर होगा वहां पर आंसर जो होगा वो वहां पर लोग पुट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इन दिनों की डिफरेंस की बात की है, 27 है, अगर 27 इसे माइनस कर दिया जाए 197 की तो 170 आ जाएगा। फिर सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर 25 डिफरेंस आ गया, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, देख रहे हो कि आप यहाँ पर 2 डिक्रीज होते जा रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी जो 2 डिक्रीज होगा तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। अगर मैं 122 को यहाँ पर माइनस करूंगा अगर मैं 21 से, तो आपके यहाँ पर जो आंसर आ जाने वाला है वो आ जाने वाला है 107। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये 1 है, ओके, ये 7 नहीं ये 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ये 1 है। तो अगर आप यहाँ पर 21 माइनस करते हो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 101। सिमिलरली अगर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 19 माइनस करोगे तो आपका आंसर 82 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर भी होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अब चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ, वेन डायग्राम से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है देख ले। सो इस वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख सकते हो आप सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स, तो इसका वेन डायग्राम कैसा यहाँ पर बनने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि सब्जेक्ट अगर साइंस में फिजिक्स आता है, आपको पता है अगर साइंस में मैंने फिजिक्स अगर मैं साइंस में रख रहा हूँ तो ये गलत नहीं होगा, और साइंस क्या एक सब्जेक्ट है। तो अगर मैं इस वेन डायग्राम को सेलेक्ट करूँ ऑप्शन ए के, आप देख सकते हो ये माना फिजिक्स, ये हो गया साइंस, और साइंस एक सब्जेक्ट है तो सारा से क्या सारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मतलब बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन इसका और हो भी सकता है। ओके गाइस, तो ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा गया है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन एक और यहाँ पर मैं सामने जो कि आप देख सकते हो, इसमें पूछा गया कि यहाँ पर क्या नंबर होगा अगर ये पैटर्न जो फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा। अगर पैटर्न की बात करें क्या पैटर्न यहाँ पर सेट हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसके पीछे क्या गैप है, 7 गैप है। अगर सिमिलरली मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 होता है, तो इन दोनों के बीच कितना 14 गैप है।
अगर आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 21 आ रहा है। 21 इन दोनों के बीच के गैप होना चाहिए, अगर ऐसा है तो यहाँ पर 87 होगा। ओके 87 होगा। और अगर इन दोनों के बीच की बात की जाए तो 28 होना चाहिए गैप। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 21 से इसको ऐड कर रहा हूँ तो 87 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 28 ऐड किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 7 यहाँ पर ऐड किया मैंने तो 52 आ गया, फिर 52 में 14 ऐड किया तो 66 आ गया, सिमिलरली मैंने 21 ऐड किया तो 87 आ गया। और आगे भी आप देख सकते हो अगर वहां पर 28 ऐड करोगे तो यहाँ पर इतना 35 ऐड करोगे तो आपका वहां पर 105 भी आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहा था, आपका आंसर यहाँ पर 87 हो जाएगा जो कि यहाँ पर आ चुका है 87। सो गाइस इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में अभी तक, और कोडिंग से भी क्वेश्चन आया है, अभी तक कोडिंग का क्वेश्चन मिला नहीं हम लोगों को, और काउंटिंग फिगर से भी क्वेश्चन रेगुलरली आ रहा है आपका, और जितना भी टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इन सारे से रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आपको और सारे क्वेश्चंस चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है उससे अभी तक सारे उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो मेरा वीडियो जो अपलोड है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आइडिया का बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए हमेशा पेपर एनालिसिस लाते रहता हूँ। ओके गाइस, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद स्मार्टीजोन फॉर स्मार्ट आंसर।